Hello student, myself Dr. D. Raj Rao, Senior Chemistry Faculty, CLC Sikar. मैं KMDTS 4 Electrochemistry Periodic Table and S Block का solution बता रहा हूँ. तो हम first question से start करते हैं. The first question, in the isoelectron species, the ionic radii of N3 negative, neon and aluminium are respectively given by. The size of isoelectronic species inversely proportional to atomic number Z. When the Z increases, then size decreases. So the first is the anion, second is the neutral, and third is the cation. So cation is the smallest and anion is a biggest size. The correct order is third. Next. The XX bond length is 1 angstrom and CC bond length is 1.54 angstrom. If electronegativity of X and C are 3.0, 2.0 respectively, the CX bond length is likely to be. So the CX bond length is given by the Somaker-Stevenson formula. Somaker-Stevenson formula DAB equal DAA by 2 plus DBB by 2 minus 0.09 delta. Delta means electronegativity difference. So according this formula, this is a Somaker-Stevenson formula, put the value 1 angstrom, so 1 upon 2 and 1.54 divide 2 and minus 0.9, or difference is 3 minus 2 is 1, and solve this problem and answer is second is correct. Next, the third question, consider the following changes. Sublimation energy metal ki given hai P, or sublimation energy ionization energy first second given hai metal ki Q, first ionization energy given hai R, और सेकंड आयनाइज़ एनर्जी है S, और फर्स्ट और सेकंड दोनों का जो सम है वो है T. तो एंथैल्पी चेंज यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है M प्लस 1 से M प्लस 2 गैस के अंदर. तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन देखें कि M सॉलिड कन्वर्ट इनटू M गैस, देन रिक्वायर्ड एनर्जी इज सब्लिमेशन एनर्जी SE, एंड M गैस से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी IE1, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे यहाँ से, तो ये हो गई M प्लस 2 गैस, और ये हो गई आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड. तो सब्लिमेशन एनर्जी गिवन है अपने को, सब्लिमेशन एनर्जी जो है वो दे रखी है P, और हमको पूछा है लेकिन चेंजेस M प्लस 2 से M प्लस 1 से M प्लस 2 चेंजेस पूछा है, और M गैस को जब हम M प्लस 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और फर्स्ट आयनाइजेशन गिवन इज R, ये R है गिवन हमारे पास, और ये जो M प्लस गैस से जो M प्लस 2 है वो भी हमको गिवन है, और ये एनर्जी हमारे पास है दोनों का जो सम है ओवरऑल वो गिवन है हमारे पास T. तो ये जो चेंजेस हमको देखना है, तो ये हो गया हमारा एट T माइनस R, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ N O S C L इज. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी कम होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, और ये है क्लोरीन. तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एफिनिटी इंक्रीज होती है, लेकिन सेकंड वालों की क्या होती है, कम होती है. तो क्लोरीन की क्या होगी, इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगी, और क्लोरीन के बाद में हमारे पास सल्फर आ जाएगा, और सल्फर के बाद में
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सबसे कम हो जाएगी क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, आउट ऑफ एन ए प्लस एम जी प्लस टू ओ माइनस टू एन थ्री द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम आई पी वुड बी, तो आई पी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव और जेड। जेड इफेक्टिव और जेड, और एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास मैग्नीशियम का ज़्यादा हो गया, तो मैग्नीशियम का आई पी क्या हो गया, मैक्सिमम, और एन थ्री माइनस एनाइंस का आई पी हो गया मिनिमम। तो यहाँ पूछा मिनिमम और मैक्सिमम, तो ये थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच सिस्टमेटिक डायग्राम इज करेक्ट अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द कॉइनेज मेटल, यानी जो कॉइनेज मेटल है सिक्का धातु में उनका हमको आयनीकरण ऊर्जा जो है, आयनीकरण विभव जो है उसका ऑर्डर पूछ रहा है। तो कॉपर से एजी जाते हैं हम नीचे, देखिए एक ही ग्रुप में फर्स्ट बी ग्रुप जो है ना, फर्स्ट बी ग्रुप उसमें कॉपर, एजी और एयू। अब कॉपर से एजी आए हैं हम नीचे, तो साइज इंक्रीज हुआ तो आईपी क्या हुआ, डिक्रीज। तो कॉपर से एजी जाएंगे तो आईपी डिक्रीज होगा, फर्स्ट आईपी डिक्रीजेस। एंड नेक्स्ट एजी टू एयू, एजी टू एयू जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो आईपी है वो इंक्रीज हो जाएगा, आईपी इंक्रीज होगा। रीजन है ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी लेंथ एंड संकुचन आ जाता है यहाँ पर, तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर देखें तो फोर्थ करेक्ट ऑर्डर जा रहा है। नेक्स्ट, सब्सटेंस विच नॉट रिक्वायर्ड इन सोलवे प्रोसेस, तो ये डायरेक्ट आप ये देख सकते हो कि सोलवे प्रोसेस का क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख सकते हो रॉ मटेरियल जो होते हैं अमोनिया है, NaCl है, CO2 ये यूज करते हैं, और SO2 इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सोलवे प्रोसेस। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी गैसेज प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट विद द वॉटर, वॉटर से हम रिएक्शन कराएंगे कौन कौन सी गैस मतलब प्रोड्यूस, मतलब किस में गैस ये प्रोडक्ट उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये देख रहे अपन। तो पहले में कैल्शियम नाइट्राइड की रिएक्शन कराएंगे वाटर से, तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, और सेकंड में CaC2 जो होता है ना, इसमें हमारे पास एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होगी, और थर्ड में कैल्शियम ऑक्साइड से हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, और यहाँ Ca3P2 में फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस होगी, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, हाँ जी, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखें अपन, NaNO3 को पहले लो टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं फिर हाई टेम्परेचर हीट कर रहे हैं, तो लो टेम्परेचर जब हीट करेंगे तो विच गिव द NaNO2, NaNO2 को, सॉरी NaNO3 को हम जब इसको हीट कर रहे हैं लो टेम्परेचर पर, तो विच गिव NaNO2 प्लस O2, और नेक्स्ट इसको अपन हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे ना, हाई टेम्परेचर पर, तो विच गिव द Na2O और प्लस N2 प्लस O2, तो दोनों में कॉमन प्रोडक्ट हमारे पास है ऑक्सीजन, तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट, नेक्स्ट टेंथ नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, डार्क ब्लू सॉल्यूशन ऑफ एल्कली अर्थ मेटल इन लिक्विड अमोनिया प्रोड्यूस ऑन एवेपरेशन ऑफ द अमोनिया, हम अमोनिया का जब एवेपरेशन करेंगे ना तो एक डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास, तो इसमें हमारे पास क्या बनना चाहिए, हेक्सा अमोनेटेड मेटल, मतलब अमोनेटेड कैटायन अमोनेटेड एनायन बनते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास हेक्सा अमोनेटेड अमोनेटेड मेटल बनेगा, तो ये आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट, CaCO3 को हीट करेंगे तो विच गिव द रेजिड्यू प्लस गैस, रेजिड्यू व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस, रेजिड्यू हमारे पास क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो विच गिव द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास बोल रहा है व्हेन डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस, तो यहां पर वाटर वेपर आएगी और कोई गैस नहीं आ रही हमारे पास, तो आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर अबाउट द सोलिबिलिटी, तो सोलिबिलिटी का हम ऑर्डर देखें तो फर्स्ट ए के अंदर सोलिबिलिटी एट टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम के नीचे पोटेशियम और इधर है कैल्शियम, तो पहले सोलिबिलिटी क्या होती है, फर्स्ट टाइम में इंक्रीज होती है,
और इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज। तो मैक्सिमम सोल्युबिलिटी किसकी होगी हमारे पास, पोटेशियम की होगी। तो KHCO3 की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर NaCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट सबसे कम। तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग सल्फेट इज मोस्ट स्टेबल फॉर फॉलोइंग चेंजेस, MSO4, MO+SO3। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेबल है, और तो स्टेबल हमारे पास सेकेंड ए में टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो हमारे पास बेरियम सल्फेट जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग गैसेस हैज द लीस्ट सोल्युबिलिटी इन द NaOH एक्वस सोल्यूशन, कौन सा कम यानी लीस्ट सोल्यूबल है NaOH में। NaOH क्या है, बेसिक है, तो बेसिक में क्या होगा, बेस डिजोल्व नहीं होगा, अमोनिया बेसिक नेचर का है, SO2, CO2, H2, ये सब एसिडिक नेचर के हैं, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन, ए डायल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग द PT इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट एट द एनोड एंड कैथोड आर। अब डायल्यूट सोल्यूशन अपन सोडियम सल्फेट यूज कर रहे हैं, तो S ब्लॉक के जो मेटल होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल जब वाटर से क्या होता है, कम होता है, इसलिए जो प्रोडक्ट आता है वो वाटर का आएगा, मतलब एट ए कैथोड, तो कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, और जो सल्फेट है वो बिगर एनाइंस है, और बिगर एनाइंस जो होते हैं वो सेल्फ ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, तो वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन वाटर का होगा, तो वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आएगा O2। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ जी 16 नंबर देखें, व्हाट विल द EMF ऑफ द गिवन सेल। तो EMF के लिए हम अप्लाई करते हैं E=E0-0.059/N, और यहां लिखते हैं हम log QC। तो यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये आ रही है RT से, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम में है वो E0 तो जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी RT/NF, और log QC जो है हमारे पास product/reactant। तो अभी हमारे पर देखिए प्रोडक्ट H2, ये जो है इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, H2 जो है H+ में जाएगा, तो ये हमारा हो गया P1, तो ये रिएक्टेंट साइड में हो गया, और प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा H+ से ये आ जाएगा H2, तो ये आएगा P2। तो प्रोडक्ट साइड में P2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास P2/P1। लेकिन इक्वेशन में देखो क्या आ रहा है, नेगेटिव आता है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N की वैल्यू 2। तो यहाँ पर हम N की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो आ रहा है वो सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ E0 Fe+2 Fe-0.4 Fe+2 का Fe मतलब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और 3 से 2 का ये भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन, और 0.0 फाइंड द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द रिएक्शन। तो हमको एक का एनोड लेना है, एक का कैथोड लेना है, तो हम इसको क्या करेंगे, E=EC-EA, कैथोड माइनस एनोड, और ये स्टैंडर्ड लगा देंगे हम। तो कैथोड हमारे पास कौन होगा, कैथोड और एनोड का देख लेंगे पोटेंशियल, जैसे ये Fe+2 में जा रहा है, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड हो गया, और एक हमारे पास Fe+3 Fe+2 में जा रहा है, तो ये हमारे पास कैथोड हो गया। तो दोनों का हम डिफरेंस करके देख लेंगे, और डिफरेंस करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर हो गया 1.22 वोल्ट। तो ये फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन द गैल्वेनिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड, जैसे दो इलेक्ट्रोड लेते हैं हम, एक एनोड है हमारे पास और दूसरा हमारे पास है गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, ये एक एनोड होता है एक कैथोड, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ऐसे होता है और इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होती है, तो एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट, ये एक्सटर्नल सर्किट है, तो ये हमारा हो गया आंसर, सेकेंड इज करेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर देखिए अपन, स्टैंडर्ड EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग द 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स रिएक्शन, और स्टैंडर्ड EMF गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल। तो यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए E=E0-0.059
और n की वैल्यू पुट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स रिडॉक्स में है, 3 हो गए, लॉग ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ई नॉट क्या होगा, नॉट इक्वल 0, और ई ये वाला ये 0 हो जाएगा हमारा, इसको वैल्यू को पुट कर लेंगे हम, और इसमें गिवन है 3 मोल, ये गिवन है ही, तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास है 10⁴ इज करेक्ट। नेक्स्ट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन 1 मोल ऑफ ए एल प्लस Al2O3, तो Al2O3 जो है ना, Al2O3 से Al ऑप्टेन करना है आपको, तो इसमें ये 0 स्टेट में आ गया, ये प्लस 3 में 1, तो चेंज कितने का आया, 3 का, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 का आया, और 1 मोल में 1 फेराडे होते हैं, 3 मोल में 3 फेराडे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 3rd। नेक्स्ट हाउ मेनी मिनट्स आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर द 3.21 × 10⁶ कूलम्ब यूजिंग ए करंट 500 एम्पीयर यूज्ड द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन। तो हमारे पास यहाँ Q गिवन है, Q इक्वल टू IT, तो Q चार्ज गिवन है और करंट जो है हमारे पास गिवन है, और T हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अब ये ध्यान रखना है, इसमें हमारे पास ये तो Q हो गया और ये 500 एम्पीयर आई गिवन है, तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन, तो ये डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा, मिनट में पूछा डायरेक्ट, तो ये हमारा आंसर आएगा सेकंड में, तो हम 60 का डिवाइड कर लेंगे इसमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट 4th। नेक्स्ट ए हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट। अब हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो सल्फेट जो होगा वो कन्वर्ट होगा, हमारा सल्फेट आयन जो होगा ना वो एनोड पर जाके ऑक्सीडाइज होगा, विच गिव द S2O8 2 नेगेटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। और यदि ये एक्वस सॉल्यूशन होता तो फिर वहाँ सल्फेट जो है डिस्चार्ज नहीं होता, वहाँ पर फिर वाटर का प्रोडक्ट आता, और बाकी जो इसमें कैथोड के ऊपर है तो वही प्रोडक्ट आ जाएगा वाटर वाला, यानी हाइड्रोजन गैस, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4th इज करेक्ट। नेक्स्ट द टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन 2 मोल ऑफ MN3O4 इन द MnO42 नेगेटिव प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो MN3O4 से MnO42 नेगेटिव जा रहा है, तो हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, इसमें MnN3O4 हमारे पास जो है इसमें निकाल लेंगे हम, 8/3 हो गया, और इसमें चेंज आया हमारा MnO42 नेगेटिव, तो ये हमारे पास आया 6, जो चेंज करके देखा हमने, चेंज हमारे पास आएगा 6 − 8/3, तो चेंज करके देख लेंगे यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, और हमारे पास दे रखा है 2 मोल, मतलब 2 मोल दे रखा है 1 फेराडे में, तो यहाँ पर हमारे पास 10 फेराडे में कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो 3rd आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट इफ मर्करी इज यूज एज ए कैथोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस इनिशियल सॉल्यूशन द आयन डिस्चार्ज एट कैथोड। जब मर्करी हम यूज करेंगे तो सोडियम क्या करेगा, रिएक्शन करता है Na जो है HG के साथ रिएक्शन करके, और विच गिव द NaHg सोडियम अमलगम फॉर्म कर लेता है, यानी ये जो सोडियम होता है वो जाके सोडियम के अंदर डिस्चार्ज होता है, लेकिन सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, तो इसको हम जो कलेक्ट करते हैं मर्करी कैथोड पे करते हैं, तो इसमें हमारे पास कैथोड के ऊपर सोडियम आयन आ जाएगा, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम आर डिपॉजिट इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम नाइट्रेट सेम टाइम दैट टेक प्लेस डिपॉजिट 0.5 ग्राम ऑफ Hg सिल्वर कूलम्ब अरेंज द सीरीज क्रोमियम नाइट्रेट सेल और एटॉमिक वेट गिवन। तो इसमें हम इसको फेराडे के सेकंड लॉ से सोल्व कर लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट है, तो वेट अपॉन क्रोमियम अपॉन वेट अपो Hg, और इसमें इक्विवेलेंट हमारे पास है क्रोमियम का और ये इक्विवेलेंट है Hg का, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, क्रोमियम का वेट गिवन हमारे पास, सॉरी क्रोमियम का वेट पूछा है और Hg का वेट गिवन है,
तो W Cr और ये हो गया हमारा 0.54, और इसका इक्विवेलेंट वेट क्रोमियम का इक्विवेलेंट वेट देख लेंगे हम। इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा हमारा, एटॉमिक वेट है 52, वैलेंसी फैक्टर है इसका 3, और इसका वेट हो गया हमारे पास 108, और इसको सोल्व कर लेंगे तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, ए 250 ml ऑफ सिंपल 0.2 mCr प्लस इलेक्ट्रोलाइज विद ए करंट ऑफ 96 एम्पीयर इफ द रिमेनिंग Cr प्लस 3 इज 0.1 m, तो फाइंड दैट ड्यूरेशन टाइम फॉर प्रोसेस। इनिशियल, सबसे पहले हम इनिशियल मोल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इनिशियल मोल जो होंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे पास वॉल्यूम इनटू मोलरिटी, तो ये हमारे पास 250 इनटू 10 टू पावर माइनस, तो ये हो गया हमारा 0.25 और इनटू 0.20, तो ये हो गया 0.050। और फाइनल मोल देख लेंगे, फाइनल मोल्स, फाइनल मोल्स जो है हमारे पास है, वो हो जाएंगे 0.25 इंटू 0.1, तो ये हो गया 0.0025। अब दोनों में डिफरेंस कितने मोल का आया, तो हमारे पास रिड्यूस क्रोमियम के मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr प्लस 3 जो रिड्यूस हो रहे हैं हमारे पास, ये आ जाएंगे हमारे पास दोनों का डिफरेंस करके देखें तो 0.025 हो जाएगा। इसके बाद में हमारे को फाइंड द ड्यूरेशन टाइम ऑफ प्रोसेस, ड्यूरेशन टाइम पूछा, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा Q इक्वल टू IT होता है, और हमारे पास जो वेट होता है W इक्वल टू E अपॉन 96,500, और ये हो जाएगा I इंटू T, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे जो हम। अब इसमें क्या हमारे पास है, डायरेक्ट जो है मोल्स गिवन है, तो मोल्स हमारे पास है, और इसमें वैलेंसी फैक्टर हमारे पास 3 का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0.025 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और टाइम हमको यहाँ पर ड्यूरेशन टाइम पूछा ही है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 75, तो आंसर हमारा। नेक्स्ट, यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज इन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेटलर्जी का भी है, और ये कई जगह अपन यूज करते रहते हैं इसको, एस ब्लॉक में भी है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, और एक इलेक्ट्रो प्लेटिंग है जिसमें इम्प्योर का मैनोड बनाते हैं, प्योर का कैथोड बनाते हैं, तो ये इलेक्ट्रो प्लेटिंग में भी यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसमें बोथ करेक्ट आंसर। थर्ड, नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन ए प्लस बी सी प्लस डी ई नॉट। अब स्टाइकोमेट्री से ई नॉट जो होता है ना, ई एम एफ इफेक्ट नहीं होता, तो ई एम एफ तो वही रहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों में रिलेशन देख लें, के वन के टू में डिवाइड करके, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा के वन का, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, द नेंसर्ट इक्वेशन इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी एन एफ ln Q इंडिकेट द Q विल बी इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, यानी Q जो हमारे पास KC के इक्वल आएगा, तो कब आएगा, जब हम कहेंगे E इक्वल टू E नोट आएगा, ये दोनों इक्वल कर दो, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, 30 नंबर क्वेश्चन, द EMF ऑफ द फॉलोइंग गैल्विंग सेल इज, तो हमको EMF कैलकुलेट करना है, तो नेंसर्ट इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर लेंगे, E इक्वल टू E नोट माइनस 0.059 n log concentration of product upon concentration of reactant। इक्वेशन जो हमारे पास, जैसे अब ये प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा, ये रिएक्टेंट साइड में आ जाएगा, तो फर्स्ट और इसमें जो फोर्थ है हमारे पास, इनकी कंसेंट इक्वल है, तो इनका तो ईएमएफ रहेगा इक्वल, तो ई वन और ई फोर इक्वल रहेगा, इसका हम फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखना है, अब थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास कंसंट्रेशन जो है
ये आएगी जेड एन से, ऐसे लिखेंगे हम जेड एन से जेड एन प्लस टू, तो ये प्रोडक्ट साइड में आ जाएगा हमारे पास, और प्रोडक्ट साइड में आएगा टेन डेस पावर माइनस वन आएगा, और माइनस वन जो है ये माइनस वन आएगा हमारे पास, और माइनस वन और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा हमारे पास, तो इसका जो ई आएगा वो प्लस में आएगा, ई टू जो आएगा हमारे पास ई नॉट और प्लस 0.3 आ जाएगा हमारे पास, तो इसमें हमारे पास जो ई टू ये आ गया, और ई थ्री जो है वो सबसे कम आ जाएगा, ई थ्री जो आएगा हमारे पास ई नॉट माइनस 0.3 हो जाएगा, तो आंसर हमारा फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, जिंक कैन डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैग्नीशियम तक क्या आता है ऊपर आता है, और कॉपर क्या आता है नीचे आता है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द ई नोट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 0.55, कैलकुलेट द डेल्टा जी नोट इन किलो जूल। तो इसमें हमको क्या डेल्टा जी का इक्वेशन जो पता है माइनस एन एफ ई नोट होता है, अब ई नोट गिवन है 0.55, अब नंबर ऑफ वैलेंसी फैक्टर देख लीजिए, चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी फैक्टर का चेंज देख लीजिए, तो यहाँ पर बाई बिस्मिथ जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया प्लस थ्री, इसमें प्लस थ्री आ रहा है इधर एक वाले में, एक में प्लस थ्री चेंजेस आ रहा है, और दूसरे में यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ रहा है ये N2 का, तो N2 में और N2 में जो चेंजेस आ रहा है वो आ रहा है एक में कितना चेंज आ रहा है चार का, तो ओवरऑल कितना चेंज आ रहा है 12 का चेंजेस आ रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 12 पुटअप कर लेंगे, और फेराडे कॉन्स्टेंट जो 96500 और इंटू ई नोट की वैल्यू 0.55 गिवन है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो -637 इज करेक्ट फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट 25 डिग्री फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन इज गिवन। तो जिंक का हमारे पास गिवन है, मैग्नीशियम का गिवन है, व्हेन द जिंक डस्ट इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ MgCl2, जिंक डस्ट इसमें ऐड करेंगे हम, तो मैग्नीशियम क्या होता है हाईली रिएक्टिव होता है, और जिंक क्या होता है कम रिएक्टिव होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का जो होता है कम नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम का ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहां पर रिएक्शन ही नहीं पाएगी, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन कंटेन एच प्लस डी प्लस आयंस इन द इक्विलिब्रियम विद मिक्सचर ऑफ एच टू एंड डी टू गैसेज एट 25 डिग्री, इट पार्शियली प्रेशर ऑफ द बोथ गैसेज आर 1 atm, फाइंड द रेशियो ऑफ द डी प्लस एच प्लस। तो इसमें हमारे को कंसंट्रेशन है, तो इक्वेशन हमको नेंसेट इक्वेशन अप्लाई करनी है, इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059, और N की वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, N आ जाएगा लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और दो इक्वेशन एक एनोड और एक कैथोड, एनोड पर हमारे पास D2 जो होगा वो D प्लस में कन्वर्ट होगा, टू इलेक्ट्रॉन एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन का हो जाएगा, तो हाइड्रोजन में हमारे पास एच प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके और एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा, अब इसके अकॉर्डिंग ये हम वैल्यू पुट कर लेंगे, डी प्लस यहाँ आ जाएगा, एच प्लस यहाँ पर हमारे पास ये गैस जो है उनका, तो हम पार्शियल प्रेशर वन ले लेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, और एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू, ये टू पुट कर लेंगे, और बाकी सब जो है गिवन है एंटी लॉग लेके इसको सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, 35 नंबर, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 1.33, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पीएच 2। तो इसमें हम नेंसेट इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर देंगे, इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.59 अपॉन एन, एन की वैल्यू हमारे पास चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन, तो कितने आ गए 6 आ गए, और ई नॉट की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 1.33, और लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एक्वस वालों को तो हम कंसिडर नहीं करें लिक्विड तो ये हमारे पास एच प्लस कंसंट्रेशन है, ये देखना है क्योंकि पीएच के ऊपर अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो ये हमारे पास हो गया पीएच 10 पावर माइनस 2 के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन हो गई, और
ये हो गया 14। इसके बाद में हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे 1.33 माइनस 0.59 अपॉन 6, और ये टेंडर्स पावर हो गया हमारा 28, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट ई नोट ए यू प्लस ए यू इज गिवन, और ए यू प्लस ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन इज गिवन, और ए यू प्लस ए यू, तो इसको हम डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। ई से कभी सॉल्व नहीं करते हैं इसको, बिकॉज डेल्टा जी इज एडिटिव प्रॉपर्टी, और स्टैंडर्ड ईएमएफ और ईएमएफ ऑफ सेल इज ए नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, तो इसको डेल्टा जी से आप अप्लाई कर लीजिए। ऐसे इक्वेशन लिख लीजिए पहले, ए यू प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए यू में कन्वर्ट हो रहा है, और ए यू प्लस थ्री जो है ये थ्री इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कन्वर्ट हो रहा है ए यू में। लेकिन अपने को क्वेश्चन में ये दो तो वैल्यू गिवन है ए यू प्लस, और एक है ए यू प्लस थ्री, दो इक्वेशन, और हमको चाहिए ए यू प्लस वन से ए यू प्लस थ्री कन्वर्ट करना है, यानी ये ए यू प्लस थ्री कन्वर्ट करना है, तो इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, टू। तो ये इक्वेशन ऑप्टेन करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है डेल्टा जी से फाइंड आउट कर लीजिए, डेल्टा जी वन हो जाएगा, इसका डेल्टा जी टू हो जाएगा, इसका डेल्टा जी थ्री हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमको, फर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें ए यू प्लस आ रहा है, इधर ए यू प्लस थ्री, तो ये इक्वेशन इधर आ रही है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट में से माइनस कर लेंगे, तो रिजल्टेंट डेल्टा जी थ्री हम फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन का। तो इक्वेशन डेल्टा जी वन एक इक्वेशन आई हमारे पास, और डेल्टा जी टू, तो हम यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर टू है डेल्टा जी टू में डेल्टा जी वन माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा माइनस 1.22 सॉल्व करने पर थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट सी ओ सी ओ प्लस थ्री सी टू सी ओ प्लस थ्री सी वन सी ओ फॉर दिस सेल डेल्टा जी नेगेटिव देन, तो इसमें हमारे पास ये कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन सेल में वही इक्वेशन लगानी है आपको, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आएगा, इसको हम जैसे लिखते हैं सी ओ से सी ओ प्लस थ्री में, और इधर लिखते हैं सी ओ प्लस थ्री से सी ओ, तो ये हमारे पास सी ओ प्लस थ्री आता है, ये सी टू हो गया, और इधर ये हो गया सी वन, तो सी टू सी वन, ये सी टू हो गया हमारे पास, और इधर हो गया सी वन। अब इसको अपने को क्या करना है, डेल्टा जी नेगेटिव करना है, डेल्टा जी के लिए हमारे पास ई जो सेल आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये साइन चेंज कर लेंगे, प्लस में हो जाएगा, तो यानी सी वन ग्रेटर देन सी टू, इसको हम सोल्व करेंगे ऐसे, ई नॉट प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग सी वन अपॉन सी टू, तो सी वन ग्रेटर देन सी टू, तो ई नॉट ई जो आएगा हमारे पास पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा जी हो जाएगा हमारा नेगेटिव, तो इसमें जो आंसर हमारा सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड दैट कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम द इथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल एट 25 डिग्री। ये ईंधन सेल होता है, ईंधन सेल का जब इथेन अपन यूज़ करते हैं, इथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसमें डेल्टा जी वैल्यू गिवन है, तो इसमें दोनों में रिलेशन देखो, डेल्टा जी में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ चेंज इन जो वैलेंसी फैक्टर या नंबर ऑफ इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, तो इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे हमारे पास, 14 हो जाएंगे, 7/2 × O2, तो यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, और इधर आप ऑप्शन का देखोगे कितना आएगा 8, और इधर कितना आएगा 6, तो टोटल चेंज कितना आ गया 14 का, तो एन की वैल्यू आप 14 पुट कर लेंगे, और इसको ई नॉट की वैल्यू जो है अपने कैलकुलेट करनी है, डेल्टा जी नॉट गिवन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ केनो थ्री विद अगार अगार इज यूज टू मेक द सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, अब जो ये अगार अगार सॉल्यूशन अपन यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज में, तो इसमें कैटायन और एनायन दोनों जो होते हैं इनकी वेलोसिटी और ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है ना वो दोनों का इक्वल होता है, तो ये थर्ड ऑप्शन है, वेलोसिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट आर नियरली सेम, क्योंकि दोनों ट्रांसपोर्ट नंबर अलग अलग होंगे तो कंडक्टिविटी जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा थर्ड आंसर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट 14 नंबर जो है,
the metal that form a self-protecting film of oxide to prevent the corrosion. तो इसमें हमारे पास जो एल्यूमिनियम होता है ना वो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की. तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट द जिंक एक्ट एज सैक्रिफिशियल और कैथोडिक प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन. जिंक क्या करता है आयरन, जैसे हम आयरन के जो कंटेनर होते हैं उनके चारों तरफ जिंक का लेयर लगा देते हैं, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना वो ज़्यादा होता है Fe से, इसलिए हम इसका प्रोटेक्शन करते हैं. तो सेकंड आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट रेजिस्टेंट ऑफ 0.1 MKCl सॉल्यूशन इन ए कंडक्टेंस सेल इज 300 ओम एंड कंडक्टिविटी इज गिवन एंड द वैल्यू ऑफ द सेल कांस्टेंट. तो ये यहाँ पे इक्वेशन जो है सेल कांस्टेंट, इसमें रिलेशन जो होता है कंडक्टिविटी में, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे 1/R और ये हो जाएगा सेल कांस्टेंट हो जाएगा X/A. ये सेल कांस्टेंट हो गया आपका. तो वैल्यू पुट कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए इसको, वैल्यू गिवन है डायरेक्ट. तो ये 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा. तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट 43 क्वेश्चन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज के. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है गिवन है, आई मीन सेंटीमीटर इनवर्स. द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Hg+Br एक्स एंड वाई है, दोनों की आयनिक कंडक्टेंस दे रखी है और ये मोल में दे रखी है. तो दोनों में जो रिलेशन होता है वो आप देख सकते हो, लेमडा इन्फिनिटी पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो के इंटू 1000 और कंसंट्रेशन होती है मोलरिटी में. ये हम अप्लाई कर देंगे और हमारे Ag और Br नेगेटिव की दोनों की मोलर जो कंसंट लिमिटिंग कंडक्टेंस दे रखी है गिवन है, ये है X और Y. तो दोनों का X और Y का दोनों का सम हो जाएगा यहाँ पर. और M जो सोलिबिलिटी मतलब मोलरिटी, सोलिबिलिटी का मतलब मोलरिटी हमको फाइंड आउट करनी है. तो ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में और 188 इसका मोलिकुलर वेट भी गिवन है, तो हम 188 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसको, क्योंकि हमारे पास मोलरिटी आएगी और हमको पूछा है इसमें सोलिबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज ग्राम पर लीटर. तो ग्राम पर लीटर के लिए पूछ रहा है हमको. ग्राम पर लीटर में हम क्या करते हैं, इसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ से हम क्या आएगा, एम इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास के इंटू 1000 और डिवाइड ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और इंटू 188. तो ये हमारा थर्ड आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Fe+2 इज रिलेटेड टू मोलर कंडक्टिविटी बाय द एक्सप्रेशन. तो ये होता हमारे पास म्यू इक्वल टू लेमडा इंटू वैलेंसी फैक्टर. ये हमारे पास हो गई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और ये मोलर कंडक्टेंस. तो यहाँ पर हमारे पास वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया. तो इन दोनों को रिलेट करें तो लेमडा आ गया हमारे पास म्यू अपॉन 6 वैलेंसी फैक्टर. तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट लेमडा नॉट AgCl कैन बी ऑप्टेंड बाई द एक्स्ट्रा प्रोटेशन ऑफ द ग्राफ लेमडा एंड C0 कंसंट्रेशन. तो ये तो हमारे पास गलत हो गया. और बाई द नॉन वैल्यू ऑफ लेमडा नॉट AgNO HCl एंड HNO3 ये ठीक है हमारे पास, बोथ तो नहीं आएंगे. सेकेंड आंसर इज करेक्ट. ये हम कोलराउस लॉ से जो है ग्राफ प्लॉट करके देख लेंगे वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. नेक्स्ट ए ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट NaCl NH4 ये पूछा हमको. तो इसमें देखो ये जो लिमिटिंग लाइन जो होती है हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उनमें आ रही है, लेकिन वीक में कभी लिमिटिंग लाइन नहीं आती. तो ये वीक के लिए थर्ड और फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्ट्रॉन्ग के लिए. लेकिन HCl की जो है कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा आती है, क्योंकि H+ और OH- जो होते हैं इनकी ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, हाई होती है. तो इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है. तो फर्स्ट HCl का आ जाएगा, सेकंड NaCl का आ जाएगा. सेकंड आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू द सेपरेट एन इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम फॉर, यानी किसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है ज़्यादा होगी. तो यहाँ पर हम जेड इफेक्टिव जिसका ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे पहले हम Na+ Mg+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आई प्लस में हम देखें कि चार्ज देख ले, जैसे इन दोनों में चार्ज ज़्यादा है जो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा हमारे पास. तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, फोर्थ में ज़्यादा होगी. नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग लेंथेनॉइड हैज द मैक्सिमम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. तो इसमें हमको क्या करना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है देखने हैं. अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें मैक्सिमम होंगे
उसका जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वाई बी जो है, ये ट्रिबियम जो है ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसके अंदर एफ में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे। जैसे यूरेनियम के पास 5 आएंगे, नायोडियम के पास 3 आ जाएंगे, टर्बियम के पास 2 आ जाएंगे, तो ये मैक्सिमम क्या आएंगे, फोर्थ में। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ऑर्डर पूछ रहा। फर्स्ट आयन एनर्जी का, नाइट्रोजन का जो आईपी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेट भी P3 P4 से ज़्यादा आएगा, और ऐसे फॉस्फोरस का सल्फर से, तो पहला ऑर्डर सही है। सेकंड में स्कैंडियम यट्रियम, स्कैंडियम से यट्रियम जाएंगे, लैंथेनम एक्टिनियम, तो ये बोला आयनेशन फर्स्ट का ऑर्डर है, तो ये गलत है, क्योंकि स्कैंडियम से यट्रियम जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर जो साइज होगा वो इंक्रीज हो गया, लेकिन यट्रियम से लैंथेनाइड, यहाँ पर लैंथेनाइड कौन, फिर एक्टिनोइड कॉन्ट्रेक्शन आ गया, तो आईपी का ऑर्डर जो है गलत आ गया। रेडियस का जो ऑर्डर आ रहा है, बेरिलियम बोरोन बेरिलियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, ये सही है। बोरोन का जो है साइज, रेडियस जो है छोटा है, और मैग्नीशियम जो एस ब्लॉक में आ गया, इसका साइज बड़ा हो गया। और फोर्थ में ऑक्सीजन कार्बन फॉस्फोरस सिलिकन, तो इसमें हमारे पास आ गया P3 P4, तो ये वाला ऑर्डर भी सही है, तो सेकेंड आंसर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग आई नी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन, यानी आपको पूछ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूछ रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन जिसमें ज़्यादा होंगे उसका रेशियो क्या है, कम आएगा, तो क्लोरीन में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए एच टू एन ओ एच, बी एच टू एन ओ एच ओ टू एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो हमारे पास जो कोई भी ऑक्साइड होता है वो रिएक्शन करता है वाटर से, तो विच गिव द एन ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड बी प्लस एच टू एन ओ एच ओ टू, तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही, तो ऑक्सीजन गैस यानी सोडियम जो परोक्साइड है, सोडियम परोक्साइड गिव द ऑक्सीजन गैस, तो एन ओ टू एंड एन टू ओ टू, थर्ड आंसर इज करेक्ट, सॉरी एन ए टू ओ एंड एन ए टू ओ टू, सेकेंड आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डायगनल रिलेशनशिप बिटवीन द ए एल एंड बेरिलियम, तो बेरिलियम एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है सही है, ए एल फोर सी बी टू गिव सेम गैस, ऑन हाइड्रोलाइसिस मीथेन गैस देते दोनों, ये भी करेक्ट है। बोथ कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द सेम मैक्सिमम कोवलेंसी नंबर, ये गलत है, क्योंकि बेरिलियम का मैक्सिमम कोवलेंसी जो है 4 होगा और एल्यूमिनियम का 6 हो सकता है, लेकिन दोनों की जो सेम नहीं होगा, और बोथ फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवलेंट हाइड्राइड, ये सही है, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड इज कोवलेंट एंड पॉलीमेरिक, तो बेरिलियम का हाइड्राइड जो है कोवलेंट होता है, पॉलीमेरिक होता है, मैग्नीशियम का हाइड्राइड भी पॉलीमेरिक, सोडियम के कैल्शियम के आयनिक होते हैं, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन हीटेड इज अ स्टीम मैग्नीशियम बर्न ब्रिलियंटली ब्रिलियंटली प्रोड्यूसिंग, तो मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड नाइट्रोजन, तो इसके दोनों आंसर सही है, इसका थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, 55, ऑन हीटिंग सोडियम मेटल इन द करंट ऑफ द ड्राई अमोनिया लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ विच गैस, तो इसमें हम जैसे सोडियम की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, Na रिएक्ट विद NH3, तो विच गिव द NaNH2 सोडामाइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस यानी फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच कैन नॉट बी यूज टू जनरेट H2, मतलब हाइड्रोजन किससे प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो एल्यूमिनियम रिएक्शन Na से कराएंगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, जिंक की रिएक्शन करेंगे सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन, ये भी प्रोड्यूस होगी, लिथियम हाइड्राइड रिएक्शन कराएंगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और मैग्नीशियम की रिएक्शन Na के साथ में यहाँ पर कोई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल फॉर्म नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विद नाइट्रोजन, तो लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो नाइट्राइड फॉर्म करते हैं, सोडियम पोटेशियम ये नहीं करते, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द हीटिंग जिप्सम, तो जिप्सम क्या जब हीट करेंगे क्या प्रोड्यूस नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड हाईली हीट पर, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, 59, विच ऑफ फॉलोइंग एल्किली मेटल फॉर्म कार्बाइड डायरेक्टली बाई हीटिंग विद कार्बन,
तो लिथियम जो होता है ना, इसका साइज स्मॉल होता है, वो कार्बन से रिएक्शन करके कार्बाइड बना सकता है, बाकी सोडियम सीजियम पोटेशियम के साइज बड़े हैं, ये नहीं बनाएंगे। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट 59। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट रिएक्ट विद एनएच टू गिव द वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, किस में वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, एस ब्लॉक की मेटल पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट रिएक्ट विद एनएच, तो ये एनएच रिएक्शन बेरिलियम से करता है, सोडियम बेरिलेट बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, और बाकी किसी में कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग एल्कली मेटल एक्सेप्ट एक्सपेक्ट टू मेल्ट इफ द रूम टेम्परेचर राइजेज टू 30 डिग्री, यानी हम किसको हीट करें बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी रूम टेम्परेचर से ऊपर हम उसको टेम्परेचर देंगे। तो सीजियम जो होता है ना, जो सॉफ्ट मेटल होता है, एस ब्लॉक नीचे जाएंगे तो सॉफ्टनेस जो है इंक्रीज होती है वीक मेटेलिक बॉन्ड के कारण। तो फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ के, तो KO3 में ओजोनाइड होगा, ओजोनाइड जो है पैरामैग्नेटिक हो गया, और O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक होती है, यानी सॉरी O2 क्या, O2 पैरामैग्नेटिक, लेकिन KO2 सुपर ऑक्साइड है, तो सुपर ऑक्साइड में O2 माइनस हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। और पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया, यहाँ पर भी अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो भी पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन होता है, और KNO2 में यहाँ कोई पैरामैग्नेटिक नहीं। फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रू अबाउट द एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल के लिए क्या ट्रू है, ऑल फॉर्म सॉलिड कार्बोनेट, ठीक बात है, और ऑल डज नॉट फॉर्म आयनिक सॉल्ट लाइक हाइड्राइट, ऑल डज नॉट फॉर्म बोले गलत है, क्योंकि सारे भी आयनिक सॉल्ट बनाते हैं हाइड्राइड की तरह, ऑल फॉर्म सुपर ऑक्साइड लाइक KO2, ये गलत हो गया, ये भी सही नहीं है, ऑल फॉर्म नाइट्राइड, ये भी गलत है। तो ऑल फॉर्म सॉलिड कार्बोनेट फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट, CO2 गैस अलोंग विद द सॉलिड Y इज ऑप्टेंड व्हेन द सोडियम सॉल्ट X इज हीटेड एंड अगेन ऑप्टेंड व्हेन CO2 गैस इज पास्ड इनटू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ YX एंड YR। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट आएगा, सोडियम कार्बोनेट वापस रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो है थर्ड इज करेक्ट। व्हेन पाउडर्ड बेरिलियम इज हीटेड विद एयर इट फॉर्म ए एंड बी कंपाउंड, ए गिव सी आफ्टर द रिडक्टिव क्लोरिनेशन, सी प्रोड्यूस वाइट फ्यूम्स प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड फॉर्म दी ए बी सी आर डी आर रेस्पेक्टली। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास बेरिलियम इज हीटेड विद एयर, तो बेरिलियम का ऑक्साइड हो गया और बेरिलियम का नाइट्राइड भी फॉर्म होगा एयर के अंदर, और फिर बाद में वो क्लोरिनेशन कंपाउंड बना रहा है, तो बेरिलियम क्लोराइड हो गया हमारे पास, और बेरिलियम क्लोराइड में इसके बाद में हमारे पास आगे नेक्स्ट बोल रहा है सी प्रोड्यूस वाइट फ्यूम्स, यानी बेरिलियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे वाटर से, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और HCl प्रोड्यूस वाइट फ्यूम आ जाएगी। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बेरिलियम, तो बेरिलियम हाइड्रोजन से डायरेक्ट जो है कंबाइन नहीं होता, डायरेक्ट बेरिलियम हाइड्राइड फॉर्म नहीं होते हैं, तो ये पहला इनकरेक्ट है, बाकी तो BCl2 बनता है, ये सब सही है, सोडियम बेरिलेट बनता है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट रिएक्शन। नेक्स्ट, NaH2 से रिएक्शन करके यहाँ पर NaOH फॉर्म हो जाएगा, फिर Na2CO3 फॉर्म हो जाएगा, फिर यहाँ SO2 से रिएक्शन होकर के Na2SO3 फॉर्म होगा, फिर वापस Na2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये Na2S2O3 जो सोडियम हाइपो सॉल्यूशन होता है ना, सोडियम थायोसल्फेट। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए कलरलेस गैस कलरलेस वाटर सोल्यूबल सॉल्ट एक्स व्हेन ट्रीटेड विद BaCl2 सॉल्यूशन विद सोल्यूबल डाइल्यूट सॉल्ट गिव द गोल्डन येलो कलर, गोल्डन येलो कलर आता सोडियम का, यानी जो फ्लेम टेस्ट है उसमें येलो कलर सोडियम का आता है, और देन एक्स में बी, और साथ में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन की तो वाइट PPT, तो वाइट PPT का मतलब है सल्फेट है, वो सल्फेट का वाइट PPT आएगा, तो सोडियम सल्फेट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए अपन, द कार्बोनेट दैट विल नॉट डिकम्पोज इन हीटिंग, तो सोडियम कार्बोनेट जो होते हैं आयनिक वाले वो डिकम्पोज नहीं होते, सेकेंड वाले सारे डिकम्पोज होते हैं, और फर्स्ट में लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, तो ये फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट, हाउ मेनी CGM आयन्स विल बी ऑप्टेंड इफ द 1 जूल एनर्जी सप्लाई टू द CGM एटम इफ आयनस एनर्जी फॉर CGM इज 376 किलो जूल पर मोल, तो यहाँ पर एक मोल की एनर्जी दे रखी हमको, एक मोल का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने होते हैं, 6 × 10⁻⁶
वन मोल में 6 × 10⁻²³ पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, और एनर्जी कितनी है ये है, तो इसमें डिवाइड कर लेंगे 3 × 76 × 10⁻³, तो ये एनर्जी हमारे पास कैलकुलेट करके, और ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। तो जर्कोनियम हैपनियम का जो साइज होता है, ट्विन एलिमेंट बोलते हैं इनको, इनका ऑलमोस्ट सेम होता है, तो ये करेक्ट नहीं है। कॉपर प्लस और के कॉपर प्लस आईपी, ये भी दोनों का इनकरेक्ट है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है ड्यू टू स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नाइट्रोजन फॉस्फोर सल्फर और आर्सेनिक, तो ये गलत हो गया हमारा, ये गलत ऑर्डर है, क्योंकि नाइट्रोजन की तो एफिनिटी कम होती है, वेरी स्मॉल होती है ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल, तो थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, वन मोल ऑफ फ्लोरिन एटम आइज आयनाइज टू एफ नेगेटिव, द एनर्जी रिलीज इज एक्स जूल्स, देन एक्स जूल इज सफिशियंट टू आयनाइज टू वन मोल गैसेज ऑफ क्लोरिन इंटू सी एल। देखिए ये गलत हो गया हमारे पास, एक्स जूल इज सफिशियंट टू द आयनाइज वन मोल ऑफ गैसेज, नहीं। फोर्थ देखिए, लेस देन वन मोल ऑफ गैसेज फ्लोरिन एंड और क्लोरिन एटम विल बी आयनाइज एफ प्लस और सी एल माइनस। तो देखिए हम जैसे फ्लोरिन से एफ नेगेटिव बना रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एनर्जी आ रही है, रिलीज हो रही है, तो इसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, और फ्लोरिन का साइज स्मॉल होता है तो कुछ एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाती है, एनर्जी कम आएगी इसमें फ्लोरिन के केस में, तो यहाँ फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्ट आर नॉट एक्सप्लेन बाय द लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन। तो लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन हमारे पास जो AU का IP ज़्यादा होगा, AG से ये सही है, और HG जो है उसका भी आयनाइज एनर्जी डी ब्लॉक वाला होगा, इस ब्लॉक से ज़्यादा होता है, इस ब्लॉक कम हो गया। साइज ऑफ हैफनियम जर्कोनियम ऑलमोस्ट सेम, ये भी ठीक है, लेकिन साइज ऑफ येट्रियम और लेंथेनम ये गलत हो गया, तो ये फोर्थ आंसर एंड नॉट एक्सप्लेन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, N2 इज लेस एसिडिक देन NO, N2 में नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन +1 है और NO में 2 है, तो ये N2 इज लेस एसिडिक देन NO, तो ये हमारे पास क्या है, गलत हो गया। जिंक ऑक्साइड L2 कैन डिजोल्व इन एसिड एंड बेस, सही है, ये एम्फोटेरिक होते हैं, दोनों डिजोल्व हो जाएंगे। वैलेंस इंक्रीज अलोंग द ग्रुप इन द टर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये गलत हो गया, और ये वाई भी इज अ डाई मैग्नेटिक, तो सही है, वाई क्या होता है, डाई मैग्नेटिक है, एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, तो हमारे पास थर्ड इनकरेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, इसमें मेटेलिक करेक्टर पूछा है, तो पहला बिस्मिथ का मेटेलिक करेक्टर नीचे टॉप टू बॉटम जाते बढ़ रहा है, सही है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोम जिंक कैडमी मरकरी नीचे साइज बढ़ रहा है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, नीचे जाएंगे तो जिंक कैडमी मरकरी का, ये करेक्ट हो गया ऑर्डर हमारा, और के प्लस सी यू प्लस आयनाइज एनर्जी का ये भी ऑर्डर हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और Mg प्लस 2 Al प्लस 3 H माइनस आयनिक रेडियस का ये गलत होगा, हाइड्राइड जो होता है वो साइज में बिगर होता है, तो फोर्थ इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग लिक्विड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ब्रोमीन लिक्विड होता है, Hg लिक्विड होता है, गैलियम होता है, नॉन ट्रांजिशन है, ये कंप्लीट फील्ड होता है मरकरी में, और तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड क्रोमियम शो द मैक्सिमम रेडियस, तो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वो सबसे ज्यादा रेडियस होगा, तो इसमें सेकेंड इज करेक्ट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है इसमें। मैग्नेटिक मोमेंट x+3 √24 आ रहा है, तो ये हमारे पास म्यू होता है जो √NN+2 और मैग्नेटॉन, तो यहाँ पर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, तभी ये 24 आएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गई, तो 4 एंड 2, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द वैल्यू ऑफ N दोनों पूछा है, तो N की वैल्यू तो 2 हो गई, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। 80, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर नाइट्रोजन इज 3.9, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, तो P के लिए 0.85 वैल्यू होती है सिग्मा की, स्लेटर रूल से जेड इफेक्टिव,
और एस जो एन माइनस वन है उसके लिए 0.35 हो गई, तो कैलकुलेट करेंगे तो आया आएगा 3 पॉइंट। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड आईपी ऑफ नियोन इज मोर देन एनए, ये गलत है क्योंकि सोडियम का जो आईपी होता है ना जेड इफेक्टिव सोडियम का ज़्यादा है कैटाइन का, तो इसमें जेड इफेक्टिव का ज़्यादा होता है। सेकंड करेक्ट इनकरेक्ट है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस पी हाइब्रिडाइज मैच करेक्टर ज़्यादा है तो उसकी ईएन ज़्यादा होगी, तो ये सही है। और ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जाते हैं, हाइड्राइड का जो एसिडिक करेक्टर वो इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर हो गया ए सी डी, थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द एलिमेंट ए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इज गिवन, फिफ्थ इज गिवन। तो यहाँ देखिए डिफरेंस हमारे पास ये ज़्यादा है, एकदम से 2000 डिफरेंस आ गया, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए इसमें। तो एलिमेंट में भी मेटल, हाँ मेटल हो सकता है क्योंकि इनके आईपी क्या होते हैं कम होते हैं, सक्सेसिव बीच में से ऐसे इंक्रीज हुआ है तो मेटल हो सकता है वो। एलिमेंट ए में फॉर्म द ट्राइवेलेंट कैटायन, ये भी करेक्ट है। अब ट्राइवेलेंट हो गया तो ये एमओ टू टाइप के थोड़ी बनाएगा और ये एम्फोटेरिक भी बना सकता है, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट फॉर ए वीक एसिड एच इज ए टर्म ऑफ लेमडा नॉट एंड लेमडा एम इच, तो इसमें के इक्वल टू अपन निकालते हैं, के इक्वल टू क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर लेंगे, एच ए जो होता है ना वो एच प्लस और ए माइनस होता है, तो जैसे इसको टी इक्वल टू 0 पे हम कंसिडर कर लेंगे सी और ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा सी सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, तो यहाँ से हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास अल्फा जो होता है वो हम दे लेंगे लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट, लेमडा नॉट एम, तो ये हम वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड के। नेक्स्ट 82 83, व्हेन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डाइल्यूटेड, अब जब कंसेंट को डाइल्यूट करेंगे ना तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होती है क्योंकि पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट 84, एजी एजी सी एल सी टू और सी एल, ये हमारे पास स्प्रेंगली सोल्यूबल टाइप के सॉल्ट होते हैं और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह अपन यूज करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो कंसंट्रेशन ए जी सी एल होता है, जैसे ए जी है सी एल माइनस है, तो ये ए जी सी एल और प्लस इलेक्ट्रॉन, इसकी इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी और इसको हम वापस अपोजिट लिखेंगे ऐसे ए जी सी एल और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए जी प्लस सी एल माइनस, तो यहाँ सी एल माइनस जो है ये हमारे पास आ रहा है ए जी सी एल रे जी, तो ये आ रहा है इस साइड में हमारे पास, तो क्लोराइड और ए जी सी एल, तो एक हमारे पास ये हो जाएगा सी टू, एक सी टू हो गया और ये हमारे पास हो जाएगा सी वन हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर लेंगे सोल्व करके देख लेंगे, तो वर्किंग सेल पूछ रहा है तो यहाँ ई नोट हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव, तो सी टू ज़्यादा आएगा सी वन से, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी, तो आयनिक मोबिलिटी जो है साइज के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, यानी जैसे वाटर में जो फ्लोराइड होता है साइज उसका स्मॉल होता है और फ्लोराइड का साइज स्मॉल होता है तो उसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी सॉरी मोबिलिटी क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी, फ्लोराइड मोर सॉल्वेटेड एनायंस हो जाएगा, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। 86 नंबर क्वेश्चन, ई नॉट वैल्यू जो है ई नॉट गिवन है, ई नॉट एट दैट 25 फॉलोइंग रिएक्शन कंसंट्रेशन इज 1.50 वोल्ट गिवन है और डेल्टा जी हमको क्या करना है इसमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड कंडीशन में, और यहाँ पर एन की वैल्यू हम देख लेंगे कितनी है, नंबर ऑफ चेंज जो इलेक्ट्रॉन जो है वो देख लेंगे हम कितना आ रहा है, 3 का चेंजेस आ रहा है हमारे पास, तो एन की वैल्यू 3 हो गई और इसको नेनसेट इक्वेशन से अप्लाई कर लेंगे, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई नॉट हो गया और इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.59/3 और लॉग ये हो जाएगा सी आर प्लस 3, आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पुट कर लेंगे और इधर आ गया हमारे पास ए जी प्लस आयन का 3 और ये वैल्यू पुट सोल्व कर ई नॉट गिवन है ई फाइंड आउट कर लेंगे
और ये वैल्यू पुट करके हम सोल्व कर लेंगे तो आंसर फोर्थ आ जाएगा हमारा. नेक्स्ट, तो 87 में पहले हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे. सी यू एस की जो इक्वेशन होगी हमारे पास, सी यू एस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा सी यू प्लस एस माइनस 2 में. तो इसका डेल्टा जी वन हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉनों का है ना, तो माइनस एन एफ ई वन. तो यहाँ एन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, और ई वन जो है वो ई नॉट इज गिवन. तो और इसी तरह से हम पहले सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे, कॉपर प्लस 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास सी यू में. ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी सेकेंड. इसका डेल्टा जी टू नोट कर लेंगे, तो ये हमारे पास जी वन आ जाएगी, जी टू आ जाएगा. अब हमको थर्ड इक्वेशन जो है वो ऑप्टेन करनी है. सी यू एस से हमको कैलकुलेट करना है सी यू प्लस 2 और एस माइनस 2. तो ये इसका डेल्टा जी थ्री हमको चाहिए. इसमें तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन हमको लेनी है, तो वन में से माइनस कर देंगे 2, वन में से 2 माइनस कर देंगे, और ये जो वैल्यू गिवन है हमको, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है इसको डेल्टा जी थ्री को हम माइनस आर टी लॉग के एस पी लिख लेंगे. ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास, इसको कोरिलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, थर्ड इज करेक्ट. नेक्स्ट, द करंट पास थ्रू ए 2 सेल्स कनेक्टेड सीरीज, द फर्स्ट सेल कंटेन, तो फर्स्ट में x की वैलेंसी 3 आ रही है, सेकंड में वैलेंसी आ रही है 2, और रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन है 1:2. जैसे एक का ए ले लो, एक का 2 ले लो, तो व्हाट इज द लिबरेटेड मास ऑफ x है? तो इसमें इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, वेट अपॉन, जैसे हम ये ले लेंगे x का, और ये वेट हो जाएगा y का. इक्विवेलेंट क्या होगा, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. तो एटॉमिक वेट हमारे पास जैसे ए का ले लिया हमने ए, और वैलेंसी फैक्टर कितना है 3, और दूसरे का हमारे पास है 2A हो गया, और वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका भी 2 हो गया हमारे पास. तो ये 1:3 आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लिए. नेक्स्ट, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर पास फॉर 5 आवर थ्रू ए मोल्टन मेटल सॉल्ट डिपॉजिट 22 ग्राम ऑफ द मेटल, एटॉमिक वेट गिवन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल सॉल्ट इज. तो इसमें भी हम इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे, कोई वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन 96,500, और जेड यहाँ पर जेड की वैल्यू करिए क्यू इंटू आई टी, आई इंटू टी. इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एटॉमिक वेट गिवन है हमारे पास, और इक्विवेलेंट वेट जो होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो इससे हम सोल्व कर लेंगे. करंट हमारे पास गिवन है 5 आवर है, इसको हम मिनट में सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये वेट हमारे पास डब्लू गिवन है, डब्लू जो वेट अप यहाँ ई जो इक्विवेलेंट वेट है वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो वैलेंस फैक्टर हमारा 3 आ जाएगा सोल्व करने पर. नेक्स्ट, हाँ जी, तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ ए जी प्लस आयन इच, आयनिक मोबिलिटी पूछी, तो आयनिक मोबिलिटी का मतलब हो गया वी, वी फाइंड आउट करना है, और लेमडा ए जी प्लस का एक कंडक्टेंस, और अपॉन एफ जो है फेराडे कांस्टेंट हो गया. तो ए जी प्लस का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो गिवन हमारे पास 5×10⁻⁴, और ये हो गया 96,500 कूलम्ब, तो डिवाइड कर लेंगे तो 5×10⁻⁹ आ जाएगा, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड्स टी एक्स टी वाई टी जेड आर पुट इन द सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग एक्स वाई जेड सॉल्यूशंस, टी वाई रिएक्ट विद बोथ एक्स एंड जेड, टी जेड रिएक्ट विद एक्स, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एनायंस एक्स एंड जेड. अब इसमें देखो टी वाई रिएक्ट विद बोथ एक्स एंड जेड, इसका मतलब है कि जो रिएक्टिव जो है ज़्यादा कौन है, वाई हुआ, यानी रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना वाई का ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो वाई, और उसके बाद में टी जेड रिएक्ट विद एक्स, इसका मतलब जेड की रिएक्टिविटी एक्स से ज़्यादा है, तो यहाँ जेड आ जाएगा, और फिर एक्स नेगेटिव, द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, 2HgHg2E0 E0.76, तो इसका रिजल्टेंट
ई नोट निकाल लेंगे एक तो, जैसे हमारे पास आ गया एन एफ ई नोट, ये निकाल लेंगे पहले। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहे, तो ये जो वैल्यू होती है 0.059 होती है, और लॉग के इक्विलिब्रियम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, और ई नोट हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 लॉग आएगा, तो 10^2, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर द इलेक्ट्रोड सी यू प्लस सी यू टू लॉग अलॉन्ग द एक्सिस प्लॉटेड अगेंस्ट द ई रिडक्शन वाई एक्सिस, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल सी यू सी यू प्लस टू, यानी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया सी यू सी यू प्लस टू। जैसे सी यू से सी यू प्लस टू जा रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इसके लिए वो इक्वेशन हम अप्लाई कर लेंगे, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.59 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पर हमारे पास कॉपर से कॉपर प्लस टू जा रहा है, तो प्रोडक्ट हमारे पास हो गया 0.1 कंसंट्रेशन आ गई यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास, और इसको ये लॉग कंसिडर कर रहा है, मतलब सी यू प्लस टू, ये जो हमारे पास इक्वेशन ऐसी आई सी यू से सी यू प्लस टू गया, तो ये प्रोडक्ट साइड में आ गया हमारे पास, तो सी यू प्लस टू ऊपर आ जाएगा हमारे पास, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऊपर, फॉर द इलेक्ट्रोड सी यू सी प्लस टू लॉग सी यू प्लस टू लॉन्ग द एक्सिस प्लॉटेड अगेंस्ट द रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस में कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा प्लस में, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेन द डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू द एक्वस कंसंट्रेशन सोल्यूशन एन एच सी एल, तो हमारे पास पी एच ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस नहीं इंक्रीजेज होता है, एन एच फॉर्मेशन होता है, पहला गलत हो गया हमारे पास। मेटेलिक सोडियम विल डिपोजिट एट द कैथोड, कैथोड पर सोडियम डिपोजिट नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो दो ये इनकरेक्ट हो गए। क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड एनोड, ये सही है, और एच टू लिबरेटेड एट एनोड, तो एनोड पर हमारे पास ये बोल रहा है हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं होगी ऑक्सीजन होगी, तो हमारे पास थर्ड आंसर इज करेक्ट। व्हेन 0.1 मोल MnO4 इज ऑक्सीडाइज्ड टू MnO4, द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू द कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज MnO4 टू MnO4, तो यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना का आया, एक का चेंज आया, 0.1 मोल में 0.1 फेराडे हो गया, तो 96,500 इंटू 0.1 कर लेंगे, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl इज द कंसंट्रेशन सी इन फाइनाइट डायल्यूशन, ये कोलराउस लो है, वीक के लिए अपन जो ग्राफ देखते हैं वो लेमडा सी लेमडा इन्फिनिटी बी इंटू रूट सी, तो फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए सोल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ NaCl2 एंड SnBr2 इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग ए 900 बैटरीज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, वॉट आर द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो इसमें ब्रोमीन और हमारे को दिया है क्लोरीन, क्लोरीन दिया ब्रोमीन दिया है, तो इसमें हमारे पास जो ब्रोमीन है इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, तो ये पहले डिपॉजिट हो जाएगा, ब्रोमीन तो आ जाएगा एनोड के ऊपर, और टिन जो है वो आ जाएगा हमारे पास कैथोड के ऊपर, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा मोर नेगेटिव है, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, 98, द डायग्राम बिलो द शो एन इलेक्ट्रोलाइसिस सेल विच कंटेन 1 लीटर ऑफ एन एक्वस पर फर्स्ट सेकेंड सल्फेट सोल्यूशन 0.4 मोलर इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द सेल, तो यहाँ पर जितने मोल अपन इलेक्ट्रॉन जैसे एनोड पर जाएंगे उतने कैथोड पर जाएंगे, तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहेगी, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग सेल एट Zn+2, तो ये हम नेनसेट इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे, और इक्वेशन जो हमारी होती है इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसको अप्लाई कर लेंगे, और ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड में आ जाएगा, ये रिएक्टेंट साइड में आ जाएगा, और ई नॉट वैल्यू गिवन है और ई गिवन है, तो हमारे को जो कंसंट्रेशन क्लोराइड की जो है फाइंड आउट करनी है, तो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 m, इसको अप्लाई करके। नेक्स्ट, हाँ जी, 100 नंबर, देखिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, कंसिडर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन अकरिंग इन एसिडिक मीडियम,
तो पहले हमारे पास बी आर ओ थ्री से बी आर ओ नेगेटिव जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख लेंगे। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो फोर का चेंजेस आ रहा है, प्लस फाइव से इधर प्लस वन आ रहा है, तो चेंज हमारा फोर का हो गया। तो 1.5 इंटू फोर ये हो गया हमारे पास 6.0, और बी आर ओ थ्री ने बी आर टू जा रहा है तो ये आ गया हमारे पास एक का चेंज आ गया, तो 1.6 इंटू वन। तो ओवरऑल कितना चेंजेस आया हमारे पास, टोटल चेंजेस आ गए हमारे पास 7.6 आ गया। और इधर हमारे पास बी आर ओ थ्री से बी आर टू जा रहा है तो ये चेंजेस आ रहा है हमारे पास 5 का, तो हम यहाँ पर 7.6 में 5 का डिवाइड कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1.52 वोल्ट। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।